another vlog of mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Yes, 11th vlog is this. And मैं इस vlog को आपसे share करने के लिए बहुत ज्यादा excited हूँ क्योंकि आज मैं अपनी lifestyle का बहुत ही amazing और interesting सा part आप सबके साथ share करने वाली हूँ. और वो interesting और amazing सा part है मेरे looks. Yes, मेरे hairstyle looks. जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है. मुझे अलग अलग हेयर स्टाइल्स बनाना बहुत ज्यादा पसंद है मगर थोड़ा बहुत टाइम की कमी के चलते इतना ज्यादा मैं नहीं बना पाती हूँ. तो सोचा व्हाई नॉट टू मेक अ व्लॉग जिससे मैं ढेर सारे हेयर स्टाइल बनाकर इस व्लॉग में आपके साथ शेयर भी कर सकूं और मैं ढेर सारा एक्साइटमेंट एक ही व्लॉग में इकट्ठा भी कर सकूं. तो चलिए शुरू करते हैं. सो माई फर्स्ट लुक इज माई मोस्ट फेवरेट लुक एंड वो है मेरा स्ट्रीट हेयर लुक जो कि मैं जनरली फॉर्मल मीटिंग्स हो गई या फिर कोई भी फॉर्मल अटेंडेंस हो गई उस समय यूज करती हूँ. सो उसके लिए मेरे को सिर्फ थोड़ी सी चीजों की जरूरत है एंड दैट इज दिस इज माई स्ट्रेटनर एंड दिस इज फिलिप्स का सैलॉन एसेंशियल स्ट्रेटनर. मतलब ऑलमोस्ट मेरे पास ये 3 सालों से है एंड बहुत ही अमेजिंग स्ट्रेटनर है. And the second thing which I'm going to use is this comb. Actually, why I'm using this line wala comb? Because isse aap koi bhi side partition, middle partition bahut hi easily kar sakte ho. So I love this comb. And yes, ek do cheeze aur hai, but usse pehle main apna jo sabse favorite look hai, that is my straight hair look, usko kar leti hu. So perfectly straight karne ke liye, matlab main jaldi mein jab hoti hu to aise hi matlab halka fulka straight kar leti hu, magar perfectly straight karne ke liye I'll do a middle partition sabse pehle. एंड इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे. एक्चुअली क्या होता है ना, इससे इजी होता है बोथ द साइड के जो आपके हेयर्स होते हैं वो इजीली आप स्ट्रेटन अप कर सकते हो. सो अब मैं क्या करूंगी, थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लूंगी हेयर का एंड ऊपर से लाइक दिस. ऐसा नहीं कि एक बार में आपको यूं कर देना है, ऐसे स्ट्रेट अप ले आना है, उससे प्रॉपरली स्ट्रेट नहीं होते हैं. सो आप बस थोड़ा थोड़ा मतलब लाइक थोड़ा सा उसको पुश दीजिए एंड स्लोली लेकर ऐसे ही करके जल्दी से एक एक हल्का हल्का पोर्शन लेके. बाल पूरी तरह से स्ट्रेट हो चुके हैं. एक्चुअली मेरे बाल पहले से ही स्ट्रेट थे इसीलिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा. नहीं तो आपको आपकी हेयर लेंथ पे डिपेंड करता है कि कितना टाइम लगता है. जनरली अगर मेरी हेयर लेंथ होती है एंड एकदम ही नॉर्मल हेयर हो तो आपको 20 to 25 मिनट्स लग सकते हैं. सो सबसे पहला लुक जो मैं स्ट्रेट हेयर के साथ अपनाती हूँ दैट इज द साइड पार्टिशन. सिंपल एंड नॉट सो टाइम टेकिंग लुक. सिंपल आपने साइड पार्टिशन किया. एक्चुअली आजकल मिडिल पार्टिशन भी बहुत ज्यादा चल रहा है बट मेरे फेस पे एक्चुअली साइड पार्टिशन ज्यादा सूट करता है. सो यस, सिंपल लुक. आई एम रेडी एंड द सेकेंड लुक विच आई अप्लाई इज अ पोनी टेल. सो गोना डू इट. एक्चुअली आजकल हाई पोनी बहुत ज्यादा चल रहा है एंड उसके साथ आप हाई पफ भी देखते हो बट मुझे उतना ज्यादा पफ पसंद नहीं आता है. दैट्स व्हाई मैं नहीं करती हूँ. सो यस, इस तरह से आप अपना एक हाई पोनी बना सकते हो एंड आई एम यूजिंग दिस रबर बैंड. एक्चुअली काफी यूजफुल है, इससे आपके बाल उलझते नहीं है एंड उलझेंगे नहीं तो टूटेंगे भी नहीं. सो आई यूज दिस रबर बैंड इस तरह से आप उसको लूजन अप कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा पफ दे सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी हेयर पिंस, एक्स्ट्रा हेयर पिंस.
सो माय सेकंड लुक इज इनफॉर्मल लुक। जब भी मेरी किसी फ्रेंड्स की बर्थडे पार्टी होती है या फिर हमें कोई आउटिंग के लिए जाना होता है, वेकेशन में जाना होता है, तो मैं ये लुक अपनाती हूँ। मैं एक सिंपल कर्ल्स करने वाली हूँ एंड नाउ आई एम गोना शो इट, जो कि आप भी बहुत इजीली ट्राई कर सकते हो बाय यूजिंग जस्ट अ स्ट्रेटनर। उसके लिए भी मैं सारी ही स्टेप्स, आपको कोई भी अगर हेयर स्टाइल करना है, सो फर्स्ट यू हैव टू डू द मिडिल पार्टीशन। इसमें हम क्या करेंगे कि हम इस पार्टीशन के दो हिस्से कर लेंगे एंड इसको इस तरह से रोल अप करेंगे। यस, इस तरह से रोल अप किया एंड देन इस स्ट्रेटनर के थ्रू वी जस्ट गिव इट अ प्रेस। एकदम लाइट प्रेस करना है बिकॉज हमको बहुत ही सिंपल कर्ल्स चाहिए हैं। एक्चुअली क्या होता है ना, इस तरह के हैक्स हम सब नॉर्मल ऑडियंस के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं बिकॉज हमारे पास बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस नहीं होती हैं, कर्लर्स नहीं है अगर सपोज हमारे पास, प्लस वो जो हेयर रोलर्स होते हैं वो नहीं है, सो हम सिर्फ जस्ट स्ट्रेटनर के यूज से हम बहुत सारे अमेजिंग स्टाइल हेयर स्टाइल कर सकते हैं। एंड इसको हमें अभी ओपन नहीं करना है, जस्ट थोड़ा सा टाइम देते हैं, बाकी सब कर लेते हैं, थोड़ा कूल डाउन होने के लिए टाइम देते हैं जिससे कि वो कर्ल्स ले ले एक्चुअली। अब हम दूसरे पोर्शन को भी इसी तरह से फटाफट से सेम तरीके से कर लेते हैं। स्मूथली ओपन करना है जैसे कि कर्ल्स जो हमने बनाए हैं वो बने रहे। आप देख रहे होंगे थोड़े थोड़े स्मॉल कर्ल्स आ चुके हैं। यस एंड नाउ दिस, ये सारी जो हैक्स है ना, एक्चुअली ये हम बचपन में किया करते थे बिकॉज मम्मी के पास स्ट्रेटनर होता था, मम्मी का स्ट्रेटनर चुपके से लेकर, और हमें कर्ल्स करने का शौक होता था, मुझे तो स्पेशली बहुत ज्यादा था, तो बस उसी के थ्रू हम कोई ना कोई देखते थे किस तरह से कर्ल कर ले स्ट्रेटनर के थ्रू, क्योंकि अगर हम उस टाइम कोई भी ऐसे रोलर्स या मतलब इस तरह के कर्लिंग मशीन की डिमांड करेंगे तो बस फिर पापा तो हमारी शामत ही लगाए। तो ये सारी हैक्स तब याद आते थे, आज वही बचपन वाला थोड़ी सी याद ताजा हो गई इसके थ्रू। तो यस, ये है हल्के से एकदम कर्ल्स, आप इसमें देख रहे होंगे, नॉट मोर एक्चुअली बिकॉज मेरे बाल बहुत स्ट्रेट हैं, सो इस वजह से ये कुछ ही देर में एकदम फ्लैट हो जाते हैं, बट यस थोड़ा बहुत कर्ली फील देता है, इन अलग एक लुक देता है, एक थोड़ा सा पार्टी आउटडोर वाला लुक देता है। यस, तो इस लुक को मैं परफेक्टली कंप्लीट करती हूं विद दिस हेयर बैंड। सो इसको आप मिडिल पार्टीशन में भी यूज कर सकते हो, साइड पार्टीशन में भी यूज कर सकते हो, डिपेंड कि कौन सा हेयर स्टाइल आपकी फेस पे सूट कर रहा है। अब आप सोच रहे होंगे वैसे तो काफी सारे हैक्स आपने ऑलरेडी YouTube पर देख लिए होंगे, सो इसी के थ्रू मैं आपको अपना थर्ड एंड फेस्टिव लुक भी बताने वाली हूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसमें आपको जितने मतलब थिक कर्ल्स चाहिए हैं उतने आप कम पोर्शंस ले सकते हो अपने हेयर के, बट बहुत ज्यादा एक्सेसिव कर्ल्स मेरे फेस पर एक्चुअली सूट नहीं करते हैं बिकॉज मेरे हेयर की लेंथ है ना जो वो शॉर्ट है, और अगर आप कर्ल्स करते हो बालों को तो आपके हेयर्स और ज्यादा शॉर्ट हो जाते हैं, और किसी किसी के फेस पे ज्यादा शॉर्ट हेयर्स अच्छे नहीं लगते हैं। सो अकॉर्डिंग टू योर हेयर लेंथ आप अकॉर्डिंगली ये स्ट्रिंग्स का साइज ले सकते हो।
पुश दे देते हैं लाइक दिस दिस. एक्चुअली हम इसको और भी शॉर्टन अप कर सकते थे बट एज आई लाइक टोल्ड यू ज्यादा शॉर्ट हेयर्स मेरे पे सूट नहीं करते हैं, इसलिए मैंने इसे थोड़ा थोड़ा बस नीचे से ही कर्ल्स दिया है. अब इस लुक के साथ, मतलब इस गर्ल्स के साथ जो मैं सबसे ज्यादा लुक ट्राई करती हूँ एंड अप्लाई करती हूँ, वो मैं फटाफट बच्चे आपको दिखा देती हूँ. एंड दिस इज छोटू सा हम बन बनाएंगे. एक्चुअली ये लुक मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी पहले शेयर किया, जिसने भी मेरा पहले का ब्लॉग देखा हो, दैट माय फोटोशूट वाला ब्लॉग, उसमें मैंने आपके साथ ये लुक शेयर किया था जो कि मेरी मेकअप आर्टिस्ट ने मुझे दिया था एंड मुझे बहुत अच्छा लगा था. सो अब मैं ये वाले हेयर स्टाइल को देखकर आपको बचपन की याद आ गई होगी आई थिंक, क्योंकि बचपन में मम्मी लोग ये हेयर स्टाइल बहुत बना देती हैं और इसी उसी हेयर स्टाइल को मॉडर्नाइज करके आजकल बनाया जाता है. अब हम इसको छोटा सा पन की शेप दे देते हैं. सो यहाँ पर मैं एक हेयरपिन का सहारा ले लेती हूँ. वैसे भी आपको हेयरपिन यहाँ लगाने की जरूरत है ही, बट मेरी हेयर बेल थोड़ी सी स्टाइलिश सी बो वाली हेयरपिन फॉर अ बन, वो वाली नहीं बो वाली. सो माय बन वाला हेयर स्टाइल इज रेडी एंड आई नो उतना परफेक्ट नहीं बना है, मैंने फिर भी ट्राई किया है उसे थोड़ा सा परफेक्शन देने की. और आप ये भी देख रहे होगे कि मेरे ऑलमोस्ट इधर के कर्ल्स तो जा ही चुके हैं, हालांकि बैक में है अभी भी, और इधर के भी थोड़े थोड़े कम हो गए हैं क्योंकि अभी अभी मैंने आपको फर्स्ट लुक में स्ट्रेट करके दिखाए थे बाल, और बाय नेचर भी मेरे बाल स्ट्रेट ही है, सिल्की है. सो इस वजह से कर्ल्स उतने ज्यादा रुकते नहीं है. वैसे तो अगर हम प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोले तो हेयर स्प्रे के थ्रू हम इसको प्रॉपर कर्ल्स को मेंटेन रख सकते हैं फॉर लॉन्गर आवर्स, बट उसे यूज नहीं करना चाहिए बिकॉज इट्स नॉट गुड फॉर आवर हेयर. सो जो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर कर सकती हूँ वो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर करा. आई होप आपको मेरा फर्स्ट लुक, सेकेंड लुक और थर्ड लुक तीनों ही पसंद आए होंगे, और जिसमें आपको जॉन सा फेवरेट लगा वो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं. और अगर आपको कोई भी मेरा लुक पसंद आया तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, जिससे इन सारे हैक्स को यूज करके आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली, उन लोग को भी हेल्प हो पाए विद जस्ट यूजिंग अ स्ट्रेटनर एंड कर्ल. इसको देखकर बिल्कुल वो चक्र वाली फीलिंग नहीं आ रही है. अहम